हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए श्रुतिलेख का वीडियो लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है खरगोश और हाथी। दो पार्ट में ये मैं बोलूँगी आपको इमला। आपको ध्यान से सुनकर लिखना है और जो भी आप लिखेंगे उसको दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करके अपनी गलतियों में सुधार करने के लिए हर अशुद्ध शब्द को आपको 8 से 10 बार शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबा के सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। काफ़ी एफर्ट्स लगा के ये वीडियो रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। मेरा गला ख़राब है, स्टिल मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितनी आपकी गलतियां निकली और इन इमला के वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं ये भी ज़रूर बताना। चलिए लिखना शुरू करिए। खरगोश और हाथी, खरगोश और हाथी, ये टाइटल है आज का। जंगल में हाथियों का झुंड रहता था, झुंड रहता था। एक बार पानी नहीं बरसा तालाब और नदी नाले सूख गए दूर जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब था वह सदा पानी से भरा रहता था। हाथी उस तालाब की ओर चले गए।
तालाब चारों ओर खरगोश बिल बनाकर रहते थे हाथियों के पैरों के नीचे आकर बिल दब गए और कुछ खरगोश मारे गए। एक खरगोश ने कहा। खरगोश ने कहा, चलो चलो यहां से कहीं और चलें चलें। तब कुछ साथी बोले तब कुछ साथी बोले यह हमारी भूमि है। हम भय से इसको छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ ऐसा काम करें कि हाथी इस ओर न आए। लंबकर्ण नाम के एक
खरगोश ने कहा, आप सब चिंता न करें, मैं ऐसा उपाय करूंगा, कि हाथी यहां से चले जाएंगे। स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सेलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।